और जिस तरीके से हमारे नौजवान दोस्त जो उधर बैठे हुए हैं ये जिन मोहब्बतों के साथ सुन रहे थे, मुझे एक शेर याद आता है कि तुमने तो कह दिया कि मोहब्बत नहीं मिली और मुझको ये भी कहने की मोहलत नहीं मिली। तुमने तो कह दिया कि मोहब्बत नहीं मिली और मुझको ये भी कहने की मोहलत नहीं मिली। बेजार यूं हुए कि तेरे अहद में हमें सब कुछ मिला, सुकून की दौलत नहीं मिली। तुझको तो खैर शहर के लोगों का खौफ था और मुझको अपने घर से इजाजत नहीं मिली। दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे नौजवान शायर को बुलाऊं जो आए और आपके जज्बात जगा दे। एक बहुत ही कामयाब शायर जिसे फखरुल इस्लाम संत कबीर नगरी कहते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों में बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। मैं चाहता हूं कि फखरुल इस्लाम साहब यहां पर आए। दोस्तों, इस अहद हाजिर का बहुत ही कामयाब शायर जो आएगा और यकीन जानिए दोस्तों, इतनी बेहतरीन कलाम ये सुनाते हैं कि आप सुनेंगे, आप खुद अंदाजा लगाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें फखरुल भाई के लिए। मुकर्रमे सामईन, आज का ये खूबसूरत सा मुशायरा अकमल भाई की दावत पर हाजिरी, कामिल शेख साहब जिनकी आज सालगिरह भी है, उनको मुबारकबाद और मुबारकबाद उनकी जीत की भी। आइए हजरात, बिला किसी तमहीद के मतला एक हाजिर करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। बड़े बेदार हैं मदनपुर वाले। मतला हाजिर करता हूँ, सुने। कि ख्वाबे गफलत में जो सोए हैं जगाना होगा। सुन के बताइएगा, अगर चौथा मिसरा अगर लगे कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है तो आपकी तालियां बताएंगी, हाथ उठा करके आप जिंदा दिली का सबूत देंगे। हाजिर करता हूँ, सुने। कि ख्वाबे गफलत में जो सोए हैं जगाना होगा। ख्वाबे गफलत में जो सोए हैं जगाना होगा। कि हमको अब दीप मोहब्बत का जलाना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। मोहब्बत का जलाना होगा। ख्वाबे गफलत में जो सोए हैं जगाना होगा। हमको अब दीप मोहब्बत का जलाना होगा। और जो तिरंगे की हिफाजत न करे फखरुल, जो तिरंगे की हिफाजत न करे फखरुल, ऐसे गद्दार को भारत से भगाना। बहुत खूब, क्या बात है फखरुल भाई। भारत से भगाना होगा। देखिए, ईद से मुसलसल प्रोग्रामों का सिलसिला है। आप थोड़ा सा आवाज, थोड़ा सा ताकत दे दीजिए माइक में, थोड़ा सा रिपीट डीले डाल दीजिए, बहुत ताकत लग रही है। थोड़ा सा आप आवाज खोलिए। हाजिर करता हूँ, दोबारा पढ़ दूं तो एक बार तालियां बजा करके बताएं। हाजिर करता हूँ, सुने। कि ख्वाबे गफलत में जो सोए हैं जगाना होगा। हमको अब दीप मोहब्बत का जलाना होगा। हमको अब दीप मोहब्बत का जलाना होगा। ओ जो तिरंगे की हिफाजत न करे ऐ फखरुल, जो तिरंगे की हिफाजत न करे ऐ फखरुल, ऐसे गद्दार को भारत से भगाना होगा। ऐसे गद्दार को भारत से भगाना होगा। और आइए चार मिसरे और पढ़ता हूँ। जो नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, अगर उनके सीने में दिल है और वो धड़कता है तो इंशाल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। हाजिर करता हूँ, आप लोगों को हौसला बनाता हूँ। ये मोहल्ला जो है ना, थोड़ा सा ये लग रहा है, ये बड़े आशिक लग रहे हैं माशाल्लाह। ये बहुत खतरनाक वाले हैं भाई, एक दो लोग तो मुझे लगता है जेल से लग रहे हैं। लग रहा है आप ही को हौसला बनाता हूँ, ठीक है। हाजिर करता हूँ, सुने। आपकी मतलब की बात करता हूँ, हाजिर करता हूँ भाई। ये दरअसल वो मोहल्ला है ना, इसमें मैं एक लड़का पिछले साल मिला मुझसे, तो उसने कहा कि भाई साहब लोगों ने इतना बेवकूफ बनाया है। मैं जिसको दुआ पढ़ करके पिछले एक महीने से पढ़ रहा था जो वजीफा, बाद में पता चला कि वो तो दुबई का कौमी तराना है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। मदनपुर वाले सुने।
के आगाज का पता नहीं अंजाम लिख दिया। तालियां कमजोर हैं आपकी, फिर पढ़ता हूं मतला के आगाज का पता नहीं अंजाम लिख दिया, ओ तू जान है मेरी ये सरे आम लिख दिया। क्या बात है, बहुत खूब। कि आगाज का पता नहीं अंजाम लिख दिया, तू जान है मेरी ये सरे आम लिख दिया, तू जान है मेरी ये सरे आम लिख दिया। ओ ता उम्र मिट न पाए मेरे यार इसलिए, ता उम्र मिट न पाए मेरे यार इसलिए, दिल के वरक पे मैंने तेरा नाम लिख दिया। बहुत खूब, तेरा नाम लिख दिया। थोड़ा सा स्टेज भी बेदार हो। कामिल शेख साहब कहाँ हैं? अरे माशाल्लाह बैठे हुए हैं, हाजिर करता हूँ। सुने कि महताब आफताब लगती हो, महताब आफताब लगती हो, हुस्न का इंतखाब लगती हो, हुस्न का इंतखाब लगती हो। ओ नशा जिसका कभी उतरता नहीं, नशा जिसका कभी उतरता नहीं, के वो पुरानी शराब लगती हो। और मतलब की शायरी, मतलब पढ़ता हूँ एक और चार मिसरे पढ़ता हूँ। शारिक भाई, कामिल भाई, वसीम भाई, गुले सभा मोहतरमा बैठी हुई हैं, साहिबा बैठी हुई हैं, निशा अर्जू साहिबा और नंदनी साहिबा, इनके हवाले से पहुंचाता हूँ आप तक। चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुन करके बताइएगा। मैं भी एक मर्द हूँ, मेरे सामने ये मर्दाना मजमा है, तैयार रहिएगा आप। के महताब आफताब लगती हो, हुस्न का इंतखाब लगती हो, और नशा जिसका कभी उतरता नहीं, नशा जिसका कभी उतरता नहीं, वो पुरानी शराब लगती हो। और पास जब सज संवर के आती हो, बहुत खूब, के पास जब सज सवर के आती हो, एक ताजा गुलाब लगती हो, के पास जब सज सवर के आती हो, एक ताजा गुलाब लगती हो। और जब ये मेकअप उतार लेती हो, जब ये मेकअप उतार लेती हो, तो खुदा का अजाब लगती हो। फिर से पढ़िए फगुन भाई, देखिए दोबारा पढ़ दें, एक बार तालियां बजा दे। मेरे बड़े ही मोहतरम, बड़े जमाने के बाद यकीन मानिए कि हम लोग बैठ करके मुशायरे पढ़ते थे। अर्शी बस्तवी साहब वो भी स्टेज पे मौजूद हैं, आज इत्तेफाक से उनके उनसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। हाजिर करता हूँ, दोबारा पढ़ दें, एक बार तालियां बजा दें। के पास जब सज सवर के आती हो, एक ताजा गुलाब लगती हो, पास जब सज सवर के आती हो, एक ताजा गुलाब लगती हो। और जब ये मेकअप उतार लेती हो, जब ये मेकअप उतार लेती हो, तो खुदा का अजाब लगती हो, तो खुदा का अजाब लगती हो। आइए चार मिसरे और हाजिर करता हूँ आपकी समातों के हवाले। मैं चाहता हूँ एक मुकम्मल गजल है, एक मतलब दो तीन शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। हाजिर करता हूँ, सुनना चाहते हैं? एक बार तालियां बजा दीजिए। हाजिर करता हूँ, सुने। कि फूल जिसमें खिलते हो, सुनिएगा बहुत खूबसूरत सी गजल मैं हाजिर कर रहा हूं। कि फूल जिसमें खिलते हो,
डालियां नहीं देखी, डालियां नहीं देखी, डालियां नहीं देखी कि फूल जिसमें खिलते हो, डालियां नहीं देखी, फूल जिसमें खिलते हो, डालियां नहीं देखी, डालियां नहीं देखी कि फूल जिसमें खिलते हो, कि फूल जिसमें खिलते हो, डालियां नहीं देखी हमने अपने, हमने अपने, हमने अपने आंगन में तितलियां नहीं देखी, बहुत खूब देखी। और एक शेर जिसके लिए मैंने मतला पढ़ा, शारिक भाई वसीम मजहर साहब आपके हवाले से, अकमल भाई आपके खूबसूरत से निजामत और आपके खूबसूरत से चेहरे, और ये मेरे शेर सुनिएगा, आप तक पहुंचाता हूँ। कि फूल जिसमें खिलते हो, डालियां नहीं देखी, ओ एक जरा सी हरकत पर लड़ लिए पड़ोसी से। जो मेरे वालिद मोहतरम के उम्र के हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह मुझे दुआएं उम्मीद है कि मिलेंगी। स्टेज से भी पूरी कि एक जरा सी हर कहते पर लड़ लिए पड़ोसी से, लड़ लिए पड़ोसी से, लड़ लिए पड़ोसी से, एक जरा सी हरकत पर एक जरा सी हरकत पर लड़ लिए पड़ोसी से, हमने अपने, हमने अपने बच्चों की गलतियां नहीं देखी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा माशाल्लाह। कि हमने अपने बच्चों की गलतियां नहीं देखी, तितलियां नहीं देखी। और एक शेर पढ़ता हूँ, कामिल शेख साहब आपके हवाले से ये शेर पहुंचाता हूँ, हाजिर करता हूँ। मुलाजा पढ़िए इरशाद भाई। अच्छा हाफिज इमलाक साहब सुन रहे हैं, माशाल्लाह भाई। देखिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें ताकि इनको लगे कि आप लोग सच में सुनना चाहते हैं। अच्छा आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां बजा के बता दें, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। कि फूल जिसमें खिलते हो, डालियां नहीं देखी, ओ कदर तुमको क्या होगी। शेर शेर सुनिएगा अकमल भाई, बहुत। कि कदर तुमको क्या होगी रोटी और ने वालों की, रोटी और ने वालों की, रोटी और ने वालों की, ये कदर तुमको क्या होगी, ये कदर तुमको क्या होगी रोटी और वालों की, तुमने भूखे, तुमने भूखे बच्चों की सिसकियां नहीं देखी, सिसकियां नहीं देखी। और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि बोझ किसको कहते हैं तू समझ न पाएगा, कि फूल जिसमें खिलते हों
डालियां नहीं देखी, तितलियां नहीं देखी, सिसकियां नहीं देखी, अर्थियां नहीं देखी। ओ बोझ किसको कहते हैं, वो समझ ना पाएगा, वो समझ ना पाएगा कि बोझ किसको कहते हैं। अरे बोझ किसको कहते हैं, वो समझ न पाएगा। उसने नन्हे कांधों पर अर्थियां नहीं देखी, अर्थियां नहीं देखी, अर्थियां नहीं देखी। और एक चार मिसरे और पढ़ करके फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। हाजिर करता हूं मुलाहिजा फरमाए। कि हम नफ़स लिख दिया, हम नवा लिख दिया, कि हम नफसे लिख दिया, हम नवा लिख दिया, हम नफसे लिख दिया, हम नवा लिख दिया, कि दिल के औराक पर दिल रुबा लिख दिया, कि दिल के औराक पर दिल रुबा लिख दिया, हम नफसे लिख दिया, हम नवा लिख दिया, कि दिल के औराक पर दिल रुबा लिख दिया। और डाकटर ने मेरे हाल को देख के, डाकटर ने मेरे हाल को देख के, तुमको मेरे मर्ज की दवा लिख दिया। बात है और मैं फखरुल भाई को इस शेर के साथ दोबारा फिर बुलाना चाहता हूं कि जो हम में है वो मतवाली अदा सब में नहीं होती। नौजवान दोस्तों आप सुनना, साहिल लुधियानवी ने कहा था, जो हम में है वो मतवाली अदा सब में नहीं होती, मोहब्बत सब में होती है, वफा सब में नहीं होती। जो हम में है वो मतवाली अदा सब में नहीं होती, मोहब्बत सब में होती है, वफा सब में नहीं होती। जुल्फ लहराए तो जंजीर भी बन जाती है, आंख शर्माए तो एक तीर भी बन जाती है, कोई नखरों में कोई नाज में खो जाता है, तुमसे जो मिलता है अंदाज में खो जाता है। तुम सितम ढाते हो, बेदाद किया करते हो, दिल लिया करते हो और दर्द दिया करते हो। दूर रहना है तो महफिल मेरी बात करो, वरना जी जाओ किसी और को बर्बाद करो। इश्क इश्क वो महफिल है जहां प्यार भी बिक जाता है, प्यार क्या चीज है घर बार भी बिक जाता है। फखुल अच्छा दोबारा आप लोगों ने बुलाया है तो थोड़ा सा जिंदा दिली आपके मन की बात करूंगा। हाजिर करता हूं एक मतला सुने कि मेरे हाल का जरा भी तुझको पता नहीं है, मेरे हाल का जरा भी, कि मेरे हाल का जरा भी, कि मेरे हाल का जरा भी तुझको पता नहीं है, तुझको पता नहीं है। कैसे यकीन कर लो, कर लो, कैसे यकीन कर लो कि तू बेवफा नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। कि तू बेवफा नहीं है, कैसे यकीन कर लो। बहुत शानदार लगता है भाभी से। ओ मेहंदी सुनना, शेर सुनना। ओ मेहंदी मेहंदी समझ के तूने हाथों में जो लगाया, कि मेहंदी 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 समझ के चू तूने हाथों में जो लगाया, कि मेहंदी समझ के तूने, कि मेहंदी समझ के तूने हाथों में जो लगाया, हाथों
लगाया, खूने जिगर है मेरा मेरा, खूने जिगर है मेरा, रंगे है ना नहीं है, खूने जिगर है मेरा। बहुत शुक्रिया आपका। एक मतला एक मतला एक बंद गीत का पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा माहौल आप दे दें गीत वाला। सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा करके बताएं। हाजिर करता हूँ, सुने सुने अकमल भाई, अकमल भाई सुने, सुनाइए भाई। माइक वाले भाई थोड़ा सा ईगो डाल दो इसमें। कि बिन तेरे अब दिल न लगे, सुन के बताइएगा। कि बिन तेरे अब दिल न लगे, बिन तेरे अब दिल न लगे, जाग के मेरी रात कटे, बिन तेरे अब दिल न लगे, जाग के मेरी रात कटे, बस यही बात तुझे को बतानी है। क्या कि तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। कि दिन मेरा रो रो के कटे, रो रो के कटे रतिया। तालियां बजा दीजिए। क्या आप पढ़िए भाई आप। कि दिन 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 मेरा रो रो के कटे, रो रो के कटे रतिया, दिन मेरा रो रो के कटे, रो रो के कटे रतिया, आ नजरों की प्यास बुझा दे मान बोरी बतिया, आ नजरों की प्यास बुझा दे मान मोरी बतिया। अच्छा जो जो बुजुर्ग हजरात है ना, वो थोड़ा सा मतलब मुस्कुरा करके धीरे से हाथ हिला रहे हैं। आप भी हाथ उठा करके दाद दे सकते हैं, कोई इसमें आजाद है, हर कोई आजाद है। एक बार तालियां बजा दीजिए। कि बिन तेरे अब दिल न लगे, बिन तेरे अब दिल न लगे, जाग के मेरी रात कटे, बस यही बात तुझे को बतानी है, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। कि दिन मेरा रो रो के कटे, रो रो के कटे रतिया, दिन मेरा रो रो के कटे, रो रो के कटे रतिया, आ नजरों की प्यास बुझा दे मान मोरी बतिया, आ नजरों की प्यास बुझा दे मान मोरी बतिया, तेरी मेरी अलग एक कहानी है, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। और एक बन पढ़ता हूँ अकमल भाई आपके हवाले से, हाजिर करता हूँ सुने। कि तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए, कि बेपरदा ऐसे न निकल हो जाए गे पागल, बेपरदा ऐसे न निकल हो जाएंगे पागल, तेरी नजर के तीर से है दीवान सभी घायल। बहुत खूब। है दीवान सभी घायल, तेरी नजर के तीर से है दीवान सभी घायल, कितने कातिल ये तेरी जवानी है, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। अब आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आप सबको जोड़ता हूँ, नौजवानों को हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा फरमाए। कि खन खन चूड़ी खन के तेरी, खन 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 के कगना, कि खन खन चूड़ी खन के तेरी, खन 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 के कगना, तू है मेरी प्यारी सजनी, मैं हूँ तेरा सजना, तू है मेरी प्यारी सजनी, मैं हूँ तेरा सजना, मेरे दिल पे तेरी हुक्मरानी है, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए।